कि क्रॉन्टन कितना अच्छा बोल्ट एक्शन चलाते हैं। तो यहाँ पे टीम जो केवी है इस टाइम टू यू नो स्टेप अप, इनके जो थ्री मैन स्क्वाड खेल रहे हैं काफी अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक एनकोर को यहाँ पे स्पॉट कर लिया है एंड ब्रायर ने यहाँ पे स्वैग को नॉक करा है, तो बहुत ही प्यारा नॉक। एंड एनकोर ने यहाँ पे पुलिस को नॉक करा है, दादा ने एनकोर को आई थिंक नॉक करा है। तो काफी सारे यू नो मल्टीपल फाइट्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड केवी ब्रायर के ऊपर शॉट्स आता हुआ। टीम एमएक्स के पैराडॉक्स के पास चलेंगे, देखते हैं क्या अपने टीममेट को वो बचा पाते हैं या नहीं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हाई ग्राउंड जो है वो व्यू लेने की कोशिश करेंगे, बट अगर बात करें सीधी तो टीम रेकनिंग यहाँ पे इनको फाइंड आउट कर सकती है। एंड यस दे फाउंड आउट पैराडॉक्स एंड उनको एलिमिनेट कर दिया, तो काफी बुरी स्पॉट में थी टीम। एंड यहाँ पे क्रॉन्टन हैज बीन नॉक्ड, तो देखते हैं क्रॉन्टन की तरफ चलते हैं टीम। उनकी जो गॉडल की स्क्वाड है वो आ रही है उनको हेल्प करने के लिए, माफिया और कीकी आ रहे हैं, बट क्रॉन्टन एट द राइट नाउ इज नॉक्ड एंड हैज बीन फिनिश्ड बाय टीम जेड। तो जेड जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो खेल रही थी अभी नाउ हैज स्टेप्ड अप। एंड यहाँ पे केवी ब्रायर की तरफ शॉट लेते हुए एंड बहुत ही प्यारा व्हीकल एक्सप्लोजन से गॉडल के माफिया ने ब्रायर को नॉक और फिनिश डायरेक्टली कर दिया। एंड यहाँ पे जेड के तरफ से उनके शॉट्स आते हुए, तो जेड के पास एक बार चलते हैं क्योंकि उनके पास आ गई होंगी टीम केवी, तो आई थिंक उनको भी फिनिश कर दिया है। एंड इसी के साथ आई थिंक टीम केवी को